अस्सलाम वालेकुम, हमारे चैनल बिया और मला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और मला को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें, और कहानी पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करें। कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो हम जागती आंखों से देखते हैं, यानी हम उन ख्वाबों के पीछे भागते हैं, और कुछ ख्वाब ऐसे भी होते हैं जो हमें जागती आंखों से देखते हैं और वो हमारे पीछे भागते हैं। उनको अपने पीछे भगाने में बहुत लुत्फ आता है। ये ख्वाबों को अपने पीछे भगाने का फ़लसफ़ा भी मेरा अपना ही था। आपा कहती थी कि हम ख्वाबों को हासिल करना चाहते हैं, ख्वाब हमारे पीछे कभी नहीं भागते, उन्हें पागल और सौदाई आंखों वाले बहुत मिल जाते हैं। मैं जोया इलियास, बीए सेकंड डिवीजन, उम्र 24 बरस, गंदुमी रंगत, कद 5 फुट 2 इंच, और हाँ मेरी शक्लो सूरत बस वाजबी सी है। देखिए, इंसान को अपने मामले में हकीकत पसंद होना चाहिए। हकीकत पसंद इंसान ही ज़िंदगी में तरक्की करते हैं, और मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा अलमिया या सच आप इसे भी कह सकते हैं कि मैं एक गरीब घराने में आम शक्लो सूरत लिए पैदा हुई, लेकिन मैं इसी गरीबी की नज़र नहीं होना चाहती थी। गरीबी में से सकते नहीं मरना चाहती थी। सो मैंने बीए के बाद नौकरी का फ़ैसला किया। मुझे अंग्रेज़ी से ना वाकिफ होने के जुर्म में किसी भी अच्छी प्राइवेट स्कूल में नौकरी नहीं मिली। मेरी अम्मा एक कोठी में कपड़े इस्त्री करने जाती थी, अबा मजदूरी करते थे, आपा एक गारमेंट्स फैक्ट्री के लिए घर बैठे ही चिल्ड्रन गारमेंट्स पे बटन लगाती थी। ये मेरी असलियत थी जिसे मैं छुपाना चाहती थी, क्योंकि मेरा ख्याल था कि ख्वाब मेरे ताकुब में भागेंगे और मैं ऐसा बहुत कुछ हासिल कर लूँगी जो हासिल करने का ख्वाब हर आंखें देखती हैं। आपा ने तो मैट्रिक के बाद ही तालीम को खैरबाद कह दिया था और घर में अम्मा अब्बा का हाथ बटाने की जिम्मेदारी उठा ली थी, जबकि मुझे कॉलेज में पढ़ने का बहुत शौक था। तालीम तो खैर मैंने बमुश्किल ही पूरी की थी, लेकिन कॉलेज की ज़िंदगी से भी भरपूर लुत्फानंदोज़ हुई थी। जब जी किया क्लासेस लेनी, जब जी चाहा बंक कर दी, और फिर जिस रोज़ से मैं घर बैठी थी, आपा के साथ साथ अम्मा को मेरे रिश्ते की भी फिक्र लाहक हो गई थी। रिश्ते वाले भी आए रोज़ नित नए नमूने उठा कर ले आती थी। आपा को तो किसी पे भी कोई एतराज़ न था, क्योंकि उन्होंने अपनी शादी की मुकम्मल जिम्मेदारी अपने माँ बाप के कंधों पर डाल दी थी, जबकि मुझे तो हर रिश्ते में ही एतराज़ था। भला ऐसे गए गुजरे ही रिश्ते हम बहनों के लिए रह गए थे, एक मुसीबत से निकल के दूसरी मुसीबत में फंस जाएं, कोई प्लम्बर तो कोई मिस्त्री। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि बात बनते बनते बिगड़ जाती, वरना आपा अब तक किसी मिस्त्री के साथ ब्याही गई होती और मैं किसी और दिहाड़ीदार के साथ। और मेरा घर इंतहाई छोटा, छोटे से सहन पे मुश्तमिल बावर्ची खाना कोई था नहीं, तो अम्मा ने सहन में ही छोटा सा बावर्ची खाना बना रखा था, जहाँ लकड़ियों का धुआं और फूंकने की आवाज़ से रौनक रहती थी। सहन के एक तरफ पीपल का बड़ा सा दरख्त था, जिसकी सारी छांव बाहर गली में थी। कभी कभी मुझे लगता कि मैं उस दरख्त पे बैठी एक कौवी हूँ, जिसे एक दिन उस दरख्त से उड़ जाना है मोर के पर लगाकर। और फिर उस रोज़ मैं एक स्कूल में इंटरव्यू देने गई थी। उम्मीद थी कि यहाँ काम हो जाएगा, क्योंकि ये एक उर्दू मीडियम स्कूल था और इन्हें टीचर की ज़रूरत भी थी। तभी मेरी नज़र पड़ी एक बहुत लंबी सी गाड़ी पर, बिल्कुल स्या लश्कारे मारती। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मेरी आंखें झपकना भूल गई हूँ। ड्राइविंग सीट पर बैठा शख्स उतना ही शानदार था जितना कि ऐसी गाड़ियों में बैठे लोग हुआ करते हैं। इंतहाई गोरी खिलती हुई सफ़ेद रंगत, ये गाड़ी मेरे पीछे थी। मैंने हॉर्न की आवाज़ सुनकर पीछे मुड़ के देखा था, लेकिन ड्राइव करने वाले शख्स का ध्यान कहीं और था। मुझे एक गोना गो खुशी हुई कि उसने मुझे इस हुलिये में नहीं देखा।
पहली बार मुझे अपनी कही बात सच महसूस हुई। मुझे एहसास हुआ जैसे मेरे ख्वाब मेरे पीछे आ रहे हों। मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट बिखर गई। और फिर उस शाम जब अम्मा कोठी से घर आईं तो उनके हाथ में दो बड़े बड़े शॉपर थे। ये क्या है अम्मा, मैं सीधी हो बैठी। आपा चाय बना रही थी, उन्होंने भी तिरछी नज़रों से उन शॉपरों को देखा। आज बाजी से तनख्वाह मिली थी, ये थोड़ी चीज़ें लेकर आई हूँ, चीनी, चाय की पत्ती, दाल, चना, चावल। एक तो महंगाई इतनी है कि बस। अम्मा चप्पल उतार के चारपाई पे आलती पालती मार के बैठ गईं। और ये दूसरे शॉपर में क्या है? मेरी नज़रें उस रंग बिरंगे शेड मारते किसी ब्रांड का नाम लिखे लिफाफे पर थी। ये अम्मा को जैसे कुछ याद आया। अरे हाँ, बाजी के कुछ पुराने कपड़े थे, उनके नए कपड़े दर्जी से आए तो ये पुराने मुझे दे दिए। अब तुम दोनों देख लो, जिसे पूरे आए रख लो। अम्मा ने शॉपर मेरी तरफ बढ़ाया। फैशन के मुताबिक बनी लंबी शर्ट और खुले खुले ट्राउज़र, दीदा जेब डिज़ाइन के 5 सूट थे। आपा ने तो इशारे से नफ़ी में सर हिला दिया, वो ऐसे कपड़े नहीं पहनती थी। अरे ये क्या, कपड़ों के नीचे एक चमड़े का हैंड बैग था। अरे हाँ, इसमें कुछ पुराना मेकअप का सामान, हार हैं, चूड़ियाँ हैं, बाजी कह रही थी कि बेटियों को दे देना। अम्मा अपने हाथ पांव दबाने लगी, थकन उनके चेहरे से आया थी। अरे इतना कुछ, सनग्लासेस, मेरी आंखें तो खुली की खुली रह गई। बस जी, बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें हैं, अम्मा की आंखें बंद थी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, ये सारी फैशनेबल चीज़ें मेरे पास आ गई हैं। मैं कपड़ों को गौर से देखने लगी। पीपल के दरख्त पे बैठी कव्वी जो थी, मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे उस कव्वी को मोर के पर मिल गए हों। और फिर आने वाले दिनों में मुझे स्कूल में नौकरी मिल गई। ये एक प्राइवेट उर्दू मीडियम स्कूल था। तनख्वाह बस इतनी थी कि मैं हर महीने अपनी छोटी मोटी ज़रूरियात ही पूरी कर सकती थी। स्याह और सुर्ख रंग के खूबसूरत प्रिंटेड सूट में हल्का सा मेकअप किए, आंखों पे सनग्लासेस लगाए, मैं अपने ही ध्यान में चली आ रही थी जब अकब से गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई। मैंने मुड़ के देखा, वही शानदार सा शख्स पूरी महवियत से मुझे देख रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। आइए मैं आपको छोड़ दूँ। पहली मुलाकात, अनजान शख्स, और मैं इतनी खुश थी कि मुझे इसी जुमले का तो इंतज़ार था। जी जी नहीं, शुक्रिया, आज ड्राइवर नहीं आया तो मैंने सोचा 10 मिनट की वॉक ही तो है, थैंक यू, मैंने सहूलत से इनकार कर दिया। हालांकि दिल तो चाह रहा था फौरन इस चमचमाती कार में बैठ के हसरत पूरी कर लूँ। आप तकल्लुफ़ कर रही हैं, प्लीज़ बैठिए, उसने फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोल दिया और फिर मैं बैठ ही गई। आपको पहले कभी नहीं देखा यहाँ, वो इस तरह बात कर रहा था जैसे सदियों से जानता हो। जी हाँ, दरअसल घर में फारिग बैठ के बोर हो गई थी, सोचा वक्त गुजारी के लिए जॉब कर लूँ, बस इसीलिए, मैंने वजाहत पेश की तो वो उस बात में सर हिलाने लगा। मैं भी इसी रूट से ऑफिस जाता हूँ, ये मेरा लंच ब्रेक के बाद का टाइम है, वो मुस्कुराने लगा। जॉब करते हैं आप? मैंने तजस्सुस से पूछा। जॉब्स देता हूँ, मेरी अपनी फैक्ट्री है, सुधीर शाह नाम है मेरा, सुधीर शाह इंडस्ट्रीज का मालिक, उसने अपना तारुफ करवाया और मैं तो जैसे हवाओं में उड़ने लगी। आप बुरा ना मनाएं तो एक बात कहूँ, वो संजीदा था। जी कहिए। आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़बरदस्त है, ड्रेसिंग स्टाइल, जस्ट एवरीथिंग, मुझे आपको देखकर यूँ लगा जैसे आप ही की तलाश थी मुझे, इसलिए तो आपको लिफ्ट दी। क्या आप मुझसे दोस्ती करना पसंद करेंगी? वो वाकई संजीदा था और मैं एकदम कवि से मोरनी बन गई। कुदरत ने मेरे लिए खुद ही सारे बंदोबस्त कर दिए थे, हर चीज़ मेरे कदमों में निछावर कर दी थी, तो मैं क्यों कुफरान नेमत करती। दोस्ती तो हो गई ना, देखिए युवराज चलते मैं थोड़ा किसी से लिफ्ट लेके उसकी गाड़ी में बैठ जाती हूँ, कुछ ना कुछ तो था जिसने दिल को दिल से जोड़ा। मैं हंस दी और सुधीर शाह के चेहरे पर भी मुस्कुराहट गहरी हो गई। 1, 2, 3 पूरे 5 सूट थे और आज 5वां दिन था। 5 दिनों में सुधीर शाह रोज़ मुझे लिफ्ट देता था और मैं अम्मा की बाजी के बंगले के बाहर उतर जाती थी। फिर जो ही वो कॉलोनी का मोड़ मुड़ता,
मैं भी अपनी गली की तरफ बढ़ जाती। मेरे लिए ये 5 सूट, ये सनग्लासेस और ये मेकअप का सामान मोर के वो पर थे जिन्हें अपने स्याह बदरंग परों में लगाकर मैं मोरनी बनने जा रही थी। अपने छोटे से घर की चारपाई पर लेटी मैं आसमान में अपनी किस्मत का सितारा तलाश कर रही थी। आखिर को हम देखते हैं कहानियों में, फिल्मों में होती हैं छोटे घरों की लड़कियां भी, जिनकी किस्मत उनका साथ कुछ इस तरह देती है कि छोटे से कच्चे घरों से बड़े बड़े बंगलों, कोठियों और कारों की मालकिनें बन जाती हैं। तो मेरे साथ ये अनहोनी क्यों नहीं हो सकती और मेरे ख्वाब क्यों पूरे नहीं हो सकते। इसलिए उस वक्त चारपाई पर लेटी मैं बस उसी सितारे की तलाश में थी जो बस आसमान की ओर से चमकने ही वाला था। ख्वाब मेरे ताकुब में ही तो हैं। सुधीर शाह मेरा ताकुब करता है, मुझे लिफ्ट देता है, मुझसे दोस्ती करता है। ये ख्वाब ही तो हैं जो मेरा पीछा करना चाहते हैं। मैं खुश थी सुधीर शाह को धोखा देके। दुनिया भले इसे धोखा कहे लेकिन मेरे लिए ये हर किस भी धोखा नहीं था, बल्कि ये तो एक चांस था जो मेरी किस्मत बनाने जा रहा था। अंजाम क्या होगा जोया इलियास, मेरा दिल खौफ ज़दा हुआ। वही जो मैंने सोचा है, वो जब मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगा तो मैं कुछ भी हूँ उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब मैं कोई भी बहाना बना लूँगी कि मैंने ये सब उसे धोखा देने के लिए नहीं बल्कि इसलिए छुपाया कि कहीं उसका दिल ना टूट जाए। मैं एक के बाद एक चीज़ के लिए मंसूबा बनाने लगी थी। और फिर बहुत दिन तो नहीं गुजरे थे जब उसने एक रोज़ गाड़ी में बैठे अचानक ही मुझे कह दिया, विल यू मैरी मी। जोया, क्या तुम उसे शादी करोगी? ये क्या कह रहे हैं सुधीर? नहीं नहीं, मेरे घर वाले कभी नहीं मानेंगे, आउट ऑफ फैमिली शादी का तसव्वुर ही नहीं है हमारे यहाँ। इतने ब्रॉड माइंडेड होने के बावजूद इस मामले में मेरे डैड बहुत पुराने ख्यालात के हैं। मेरी मॉम भी नहीं मानेगी क्योंकि वो तो मेरे लिए अपने अमेरिका पलट भांजे का सोचे बैठी हैं। दोनों इम्पॉसिबल। दोस्ती तक तो बात ठीक थी लेकिन शादी तो टोटली इम्पॉसिबल। तो फिर क्या किया जाए? वो जैसे गहरी सोच में गुम था। उसकी आंखों में मोहब्बत थी और चेहरे पे अपनी मोहब्बत को खो देने का तफक्कुर। मेरी आंखों में खुशी थी और होंठों पे मुस्कुराहट। यूँ महसूस हो रहा था जैसे मुझे हफ्ते क्लीम की दौलत मिल गई हो। मैं हवाओं में उड़ने लगी थी। हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे, उसके मुंह से यही तो सुनना चाहती थी। कोर्ट मैरिज? मैंने हैरान होने की बेवजह सी एक्टिंग की। सुधीर के चेहरे पर तंजिया सी हंसी उभरी। मुझे हैरत हुई। शायद वो मुझे मेरे स्टेटस के मुताबिक बोल्ड समझ रहा था और मेरे इस तरह रिएक्ट करने पे उससे शक हो सकता था। मैंने खुद को संभाला। हाँ, हो तो सकता है। मैंने सनग्लासेस बालों पे चढ़ा लिए। तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं जोया। उसके लबों पे मुस्कुराहट उभरी। मैंने बड़ी खूबसूरती से आंखों का मेकअप जो किया हुआ था, दिल ही दिल में खुद को दाद दी। सुधीर, ये कोई वक्त है इस तरह की बातें करने का? फिलहाल तो ये सोचो कि करना क्या है। मैं परेशान थी। मुझे कोर्ट मैरिज करने में कोई एतराज़ नहीं था। जब मैं इतने अमीर कबीर शोहर के साथ घर जाऊँगी तो अम्मा बाबा का सारा गुस्सा हवा हो जाएगा। मुझे यकीन था कि ऐसा ही होगा। करना क्या है जोया? कल रात 9 बजे तुम मेरी फैक्ट्री के गेट पे आ जाना। रात 9 बजे? एक बार फिर मैं हैरत से बोली। टू लेट? वही मुस्कुराहट उसके चेहरे पे उभरी। नहीं, इट्स ओके, लेकिन रात को तो कोई कोर्ट नहीं खुला होगा। मैं मुस्कुराई। गुड इंटेलिजेंट, पर परसों सुबह तो खुलेगा ना जान। सुधीर शोक हुआ। कल रात का कुछ और प्लान कर लेंगे। वो हंसा तो हंसता ही चला गया। जवाबन मुझे भी मुस्कुराना पड़ा। नहीं नहीं सुधीर, परसों का रख लो। मैं परसों सुबह 8 बजे, मैं बोल ज़रूर हूँ लेकिन तुम समझ सकते हो ना। मैंने देखा वो उस बात में सर हिला रहा था लेकिन उसके चेहरे पे कुछ और ही तासुरात थे। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम, उसने बात अधूरी छोड़ दी तो मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे वो मेरी गुरबत ज़दा ज़िंदगी के बारे में बात करना चाहता है। क्या लगता है तुम्हें? मेरे माथे पे पसीने के कतरे उभरे।
यही कि तुम थोड़े पुराने ख्यालात की हो, थोड़ी बैकवर्ड। आम से स्कूल में जॉब करना, वॉक करते हुए घर जाना, और शादी से पहले और बाद के ख्यालात। खैर ठीक है, उसने इस बात में सर हिलाया, खैर अब ऐसी भी बैकवर्ड नहीं हूँ मैं। चलो ठीक है, मैं कल रात 9 बजे आ जाऊँगी। मैंने उसका हर अंदाज़ा गलत साबित करने की ठान ली थी। और जब शादी के बाद मैं अम्मा अब्बा से माफ़ी मांगने आऊँगी तो सुधीर को मेरी असलियत का इल्म हो जाएगा। मेरे अंदर से आवाज़ आई, चलो बाद की बात में देखी जाएगी, तब तक शादी हो चुकी होगी और मुझे बहुत सी दौलत मिल चुकी होगी, पूरी कोठी की कारोबार की मालिकन बन चुकी होंगी। एक कमीनी सी सोच मेरे जहन में उभरी तो चेहरे पे मुस्कुराहट बिखर गई। और फिर रात के 9 बजे मैं किस तरह उसकी फैक्ट्री के गेट पे पहुंची, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। वहाँ कोई नहीं था, वहाँ कोई आया ही नहीं। मैं थोड़ी देर गेट पे खड़ी इधर उधर देखती रही, तभी चौकीदार मेरे करीब आया और उसने मेरा नाम पूछकर मुझे एक खत पकड़ा दिया। मैंने लरसते हाथों से वो खत खोला। जोया, मैं नहीं आ सकूँगा क्योंकि मुझे तो आना ही नहीं है, मेरा तुमसे कोर्ट मैरिज का भी कोई इरादा नहीं है। दरअसल मैं जिस क्लास से ताल्लुक़ रखता हूँ वहाँ का मैार बहुत बुलंद है, तो फिर शादी भी तो मैं किसी ऐसी ही लड़की से करूँगा ना जो कि मेरी हम पल्ला हो, मेरे साथ चलती हुई अच्छी लगे। तुम हैरान हो रही होगी। अरे अरे ठहरो, हैरत में मत पड़ो, मैं सब जानता हूँ, सब। तुम्हारे कीमती कपड़े, जूते, ज्वेलरी, मेकअप, ये सब तुम्हें एक अमीरजादी ही जाहिर करते हैं, लेकिन ये सब जिस अमीरजादी की उतरन है ना, तुम उसे नहीं जानती हो। वो मेरी सगी बहन है और अपनी बहन की पसंद को, उसके कपड़ों को मैं तो अच्छी तरह से जानता हूँ ना। हो सकता है मैं तुम्हारे धोखे में आ भी जाता, लेकिन तुम भी तो गलती पे गलती करती चली गई बिना सोचे समझे, बस दूसरे को धोखा देने की ख्वाहिश में। और चलो इससे भी मज़े की बात बताऊँ, शायद मैं ये सब ना भी पहचानता, मगर तुम जिस घर के बाहर उतरती हो ना, वो मेरी उसी बहन का घर है। मैं चाहता तो पहले ही रोज़ तुम पे ये सब जाहिर किए बगैर कुछ भी कर सकता था, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझे वो सब करने से हरगिज़ ना रोकती, क्योंकि तुम्हारी इखलाकियात बहुत पस्त हैं। लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जानती हो क्यों नहीं किया? खौफ़ खुदा की वजह से नहीं किया जोया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो। जोया, इज्जत एक सेकंड में मिट्टी में मिल सकती है, लेकिन उसे बनाना और कायम रखना बहुत मुश्किल है। मोर के पर लगा लेने से कभी कोई कौवा मोर नहीं बन सका। मैंने खत को मुट्ठी में दबोच लिया। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे चेहरे पे जन्नाटेदार थप्पड़ मारा हो। बेइज्जती और तजलील का एहसास मुझे मारे दे रहा था, लेकिन मैं उसकी मशकूर थी। उसने वक्त गुजारी के लिए मुझसे दोस्ती तो की, लेकिन वो उससे आगे नहीं बढ़ा, बल्कि मुझे ही सीधा रास्ता दिखा दिया, क्योंकि मैं तो वाकई इखलाकी पस्ती में घिरी हुई थी। मेरे नज़दीक दुरुस्त और गलत की कोई तमीज़ ना थी। मैं अपनी धुन में अंधाधुंध हर गलत रास्ते पे दौड़ते भागते मंजिल तक पहुंचना चाहती थी, और यूँ मेरी समझ तो दुरुस्त कर ही दी थी उसने। अब मंजिल गलत कैसे हो सकती थी? गलत समत में उठा हमारा छोटे से छोटा बड़े से बड़ा हर कदम गलत है, और उसकी मंजिल भी गलत। जबकि सही समत उठा छोटे से छोटा कदम भी दुरुस्त समत तक और बिलाखिर एक बेहतरीन मंजिल तक ले जाता है। सारी रात यही सोचते गुजरी थी। सुबह की पहली किरण मेरे चेहरे से टुकराई तो पीपल के दरख्त पे बैठे कौवे ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया। आज मैंने उससे नजरें चुरा ली। जोया, आज स्कूल नहीं जाना क्या? जल्दी कर, अम्मा की आवाज़ बावर्ची खाने से सुनाई दी। नहीं अम्मा, आज छुट्टी करूँगी, कल जाऊँगी। मैंने चप्पल पाँव में अड़सी और अंदर की तरफ बढ़ गई। चल अच्छा है, वैसे भी आज तुम दोनों बहनों को देखने कुछ लोग आ रहे हैं। दोनों भाई चमड़े की फैक्ट्री में काम करते हैं, 10-15 हज़ार महीने का कमा लेते हैं। अच्छा है ना, दोनों एक ही घर में रहोगी तो सुख रहेगा,
एक दूसरे का ख्याल रखोगी। अम्मा के लहजे में खुशी थी। जी अम्मा, मैंने इस बात में सर हिला दिया। ख्वाब हमारे पीछे भागते हैं या हम ख्वाबों के पीछे? मैं फिर उलझ रही हूँ, लेकिन ये समझ गई हूँ कि मोर के पर लगा लेने से मैं मोरनी नहीं बन सकती। खा कितना ही रक्स कर कर दुनिया को दिखाऊं, मैं जोया इलियास हूँ और जोया इलियास ही रहूँगी। पीपल के दरख्त की कवि, मैंने सर झुका दिया। यही सच था। हाँ, और इंसान को हकीकत पसंद होना चाहिए, क्योंकि एक हकीकत पसंद इंसान ज़िंदगी में भले कामयाब हो या नाकाम, मगर एक बात सच है कि वो कभी अपने किए पे पछताता नहीं है, बल्कि अपने हर कदम के बारे में मुतमईन और पुरसकून होता है।